हॉट एयर बलून को अपने पूरे रेंगल मैप में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। पुचिंकी से जॉर्जो पुल, जॉर्जो पुल से कमेश्की। ग्लाइडिंग डोल वाली पावर भाई सबसे बढ़िया इस मोड के अंदर। बीजीएमआई और पबजी मोबाइल के हर अपडेट के बाद भाई कोई ना कोई इवेंट आता ही है। जैसा कि आपको पता है 2.2 अपडेट के बाद भाई यहाँ पर एक हेलोविन मोड आया है। भाई यहाँ पर इन्होंने इसका नाम गियर फ्रंट रख के दिया है, बट भाई अपने इसको हेलोविन मोड भी बोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में भाई ये हेलोविन मोड के ना प्रॉपर एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, भाई कौन सी पावर कैसे यूज करती है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने नई डाली है। भाई यहाँ पर इन्होंने 8 प्रकार की अलग अलग पावर दी है। उससे पहले भाई मैं आपको यहाँ पर 2 नए करेक्टर इन्होंने गेम के अंदर डाले हैं वो मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। भाई एक ये वाला फीमेल करेक्टर है जिसका नाम है सोफिया, इसके कपड़े भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक और करेक्टर इन्होंने डाला है भाई, उसका नाम है रैली। ये भाई ये मेल करेक्टर है पूरे। भाई इसके कपड़े भी अपने यहाँ पर डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं। ये वाले कपड़े आप प्रॉपर देख सकते हो। भाई इनके जो इमोट वगैरह है वो भी अपने डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर भाई ये फीमेल वाला करेक्टर है, बट भाई इसकी जो ऑडियो है ना वो भी आप सुन सकते हो प्रॉपर। इसके इमोट भी मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ, बट उससे पहले इसका जो MVP वाला है, जो अपने को TDM में MVP इमोट होता है, वो भी आप ये सोफिया जो करेक्टर आई है इसका आप देख सकते हो। भाई ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट भाई नॉर्मल सा ही है। और जो भाई रैली करेक्टर है उसका भी मैं आपको MVP वाला दिखा देता हूँ। भाई जो ये वाले जो इन्होंने दिए हैं ना भाई, ये वाले इमोट ये ना जो अपने इवेंट है उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर ये जो रैली करेक्टर है इसके भाई मैं आपको प्रॉपर जो इसके इमोट है वो दिखा देता हूँ। भाई इन्होंने ना सिर्फ एक ही इन्होंने वो आउटफिट दिया, और यहाँ पर है ना 3 इन्होंने इमोट दिए हैं। नॉर्मल सी हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा है। और ये सिर्फ भाई 600 करेक्टर वाउचर का है, लेकिन अभी डिस्काउंट के अंदर भाई 40 UC का सिर्फ मिल जाएगा जो जो बंदा पबजी मोबाइल खेलता है उसको भाई प्रॉपर। और यहाँ पर जो सोफिया करेक्टर है इसके अंदर भाई इन्होंने ना 3 ही प्रकार के नॉर्मल से इमोट दिए हैं। और यहाँ पर जो अपनों को करेक्टर वाउचर मिलने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई डेली के अपनों को मिलने वाले हैं, लॉग इन डे पर ही मिलेंगे। अगर अपने डेली के जो गेम खेलेंगे उसके अंदर आप कितना कितना डैमेज दोगे उसके ऊपर आपको 10, 20, 30 करके डेली के करेक्टर वाउचर मिलने वाले हैं। अब अपने भाई जल्दी से ना अपना इरेंगल गेम स्टार्ट कर लेते हैं। और भाई अपने ना 8 प्रकार के अपनों को पावर मिली है, एक एक पावर यूज करके भाई आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि भाई अपने ना एक गेम के अंदर है ना सिर्फ एक ही पावर यूज कर सकते हैं। तो भाई अपने भाई पूरे 8 गेम खेलते हैं और भाई आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अलग अलग प्रकार की पावर है। तो भाई अपने सबसे पहली पावर यूज है प्ले जोन एनालिस्ट करके। ये वाली पावर से भाई अपनों को ना प्रॉपर जो नेक्स्ट जोन बनने वाला है वो अपनों को पता लग जाएगा। एंड ये वाली पावर यूज कैसे होती है वो भी भाई मैं आपको ना प्रॉपर दिखा देता हूँ। देखो अपने जैसे ही लैंड करेंगे अपनों को भाई पावर है ना हैंड टू हैंड मिली जाएगी, कहीं पर भी जाके इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। भाई देखो एकदम से प्रॉपर ये लैपटॉप निकालता है, जो अपना अगला जोन बनने वाला है वो भाई प्रॉपर बता देगा कि भाई ये वाला जोन है ना यहाँ पर बनने वाला है नेक्स्ट। अपने भाई जाके यहीं पर ही सेंटर के अंदर जाके बैठ सकते हैं। अपने भाई दूसरी पावर यूज़ करते हैं सप्लाई स्कैन करके। तो भाई ये वाली पावर है ना अपनों को ना भी छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो बताएगी, जैसे कि मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ। जैसे लैंड करेंगे वैसे ये वाली पावर अपनों को हैंड टू हैंड मिल जाएगी, और भाई एक बॉल निकल के आएगी। ये वाली बॉल है ना अपना ना जो सामान वगैरह है वो ढूंढेगी। बट भाई ये वाली बॉल ने ना मेरे को गन स्कैन करके नहीं दी थी, जो स्कोप हो गया, जैसे आप देखो सामने 4x दिख गया, 6x दिख गया, राइट के अंदर इंजेक्शन दिख गया, सिर्फ यही वाली चीज़ें भाई इसने मुझे स्कैन करके दी थी। जो अपनी भाई गन AKM वगैरह वो वाली चीज़ें इसने स्कैन करके नहीं दी थी। अपने भाई जाके ना प्रॉपर चेक भी कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर 4x ही है, यहाँ पर कुछ और तो नहीं। भाई अपनी जो तीसरी पावर यूज़ आती है वो आती है ब्लैक मार्केट करके। तो भाई जल्दी से ब्लैक मार्केट वाली पावर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे ही लैंड किया भाई ये वाली पावर अपने को हैंड टू हैंड मिल जाती है। भाई ये वाली पावर है ना प्रॉपर शॉप की तरह है। देखो जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया ये अब है ना 90 सेकंड के बाद अपने को रिटर्न मिलने वाली है, और ये वाली जो शॉप है 1 मिनट 30 सेकंड के लिए रहने वाली है। प्रॉपर ये शॉप है, अगर आपके पास कोई कार्ड वगैरह है उससे भी आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर भाई एक और चीज़ अपनों को निकल के आती है, ये वाली चीज़ है ना 5 कॉइन की एक है। इसको अपने जैसे ही यूज़ करेंगे ना जो आसपास अपने गाड़ियाँ आएंगी ना वो गाड़ी ना अपनों को ना प्रॉपर पता लग जाएगी। भाई देखो इसने अपना टैबलेट निकाला और भाई देखो पूरा स्कैन कर रहा है कि आसपास कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर देखो कूब लगी हुई है, बग्गी लगी हुई है, भाई बाइक भी खड़ी हुई है प्रॉपर। भाई ये वाली जो समस्या है ना जो बंदे रैंक पुश कर रहे होते हैं जिनको गाड़ी नहीं मिलती उनके लिए ये वाली चीज़ एकदम
बेस्ट। अब अपने चलते हैं भाई अपनी फोर्थ पावर के ऊपर। भाई देखो इस पावर का नाम है ट्रेस। भाई इसको जैसे ही अपने एक्टिव करेंगे यहाँ पर देखो जो अपने बंदे होंगे ना अपनों को बंदे तो दिखेंगे नहीं प्रॉपर, अपनों को वही वाले बंदे दिखेंगे जो लेटे होंगे या जो बंदे नोक होंगे, जो बंदा मतलब घासों के अंदर लेट लेट के खेलेंगे भाई वही वाले बंदे दिखेंगे। तो भाई यहाँ पर अपनी फिफ्थ पावर निकल के आती होती है लक्की बैकपैक करके। तो भाई जल्दी से ये वाली पावर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो जैसे नीचे उतरा भाई अपनों को ना एक बैकपैक मिल गया था, आपने देखा होगा भाई वो वाला बैकपैक है ना, अगर ये वाली आप पावर यूज़ करोगे वो अपना भाई परमानेंट लगा ही आएगा। देखो इस ये वाली पावर कैसे यूज़ होती है भाई, आप कोई भी गन है ना अपने ना यहाँ पर बॉक्स के अंदर डालना, आप ना इन चारों में से कोई एक गन ले सकते हो, ये नहीं है कि भाई आप अपनी चॉइस से लोगे, आप जैसे ही इसको भाई कन्वर्ट करोगे आपको कोई एक गन इन चारों में से कोई एक गन मिलेगी, वो भी रैंडम मिलेगी। ये नहीं है कि आपको वही वाली गन परमानेंटली, मतलब अगर आप कार 98 चाहते हो भी आपको कार 98 मिले, वैसे नहीं मिलने वाली। देखो अपने अब देखो इन चारों में से ना कोई एक गन ही मिलेगी, वो भी रैंडम मिलेगी, वो भी आप सिर्फ 5 बार ही यूज़ कर सकते हो। अपनी भाई छठी स्मोक हीलिंग करके पावर आती है, हीलिंग स्मोक करके, इसको अपने कैसे यूज़ करेंगे, जैसे नीचे आएंगे भाई अपनों को ना एक स्मोक मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद, भाई 1 से 2 मिनट के बाद है ना ये स्मोक है ना डबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं भाई देखो मैं जैसे ही डैमेज खाता हूँ अब अपने ना यहाँ पर एक स्मोक कर देते हैं भाई, वो स्मोक के अंदर से ना अपनों को ना हीलिंग मिलेंगी भाई, अपनों को कोई हेल्थ किट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो अपनी जो ड्रिंक से जो अपनों को हीलिंग मिलती है ना वो ऊपर वाली लाइन भाई वो वाली लाइन भी भरेगी। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एक और स्मोक कर देता हूँ भाई, मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी भाई अपनों को यहाँ पर मिलने लग जाएगी। यहाँ पर देखो थोड़ा सा भाई स्पीड बढ़ी है, बट भाई यहाँ पर ना अपनी प्रॉपर ये वाला जो स्मोक हीलिंग है, जो हीलिंग स्मोक करके अपने भाई इसको बोल सकते हैं, ये वाली चीज़ है बहुत बढ़िया, अपनों को ना प्रॉपर यहाँ से हीलिंग मिल रही है। तो भाई अपनी भाई सेवन्थ जो सातवीं है वो निकल के आती है व्हीकल एयर ड्रॉप। भाई इसको अपने प्रॉपर है ना कहीं मर्जी पूरे रेंगल मैप में कहीं मर्जी उतरो भाई वहाँ पर है ना अपने उतर के व्हीकल मंगवा सकते हैं। भाई अगर आप सोलो कॉनकर पुश करते हो तो भाई ये वाली चीज़ तो आपके लिए एकदम बेस्ट है भी, अगर बंदा दूर जाएगा ना तो भाई आराम से अपनी गाड़ी कहीं मर्जी उतर के अपनी गाड़ी मंगवा के प्रॉपर दूर निकल जाएगा। अब ये वाली मैं आपको प्रॉपर यूज़ करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ही नीचे उतरेंगे ना अपनों को ना एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा हर एक पावर के अंदर, ये नहीं है कि अपनों को पावर ढूंढनी पड़ेगी भी एक एक जगह जाके, वो वाला सीन कुछ भी नहीं है। देखो जैसी ये वाली पावर यूज़ करी 180 सेकंड के बाद है ना ये वाली पावर अपनों को ना वापस से यूज़ करने का मौका मिलेगा ऊपर। भाई हैंड टू हैंड ही अपनी जो गाड़ी है वो आ चुकी है, ये नहीं है 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद आई है, भाई 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर अपनी गाड़ी आ चुकी है भाई, प्रॉपर फ्यूल सारा कुछ फुल है। वो तो मैंने इस गाड़ी का ना टायर तोड़ दिया था। अब अपनी भाई आठवीं जो पावर निकल के आती है वो आती है ग्लाइडिंग डोल करके। तो भाई ये ग्लाइडिंग डोल को जैसे अपनों ने एक्टिव किया, यहाँ पर देखो मैं ना प्रॉपर पहाड़ी से उतरने का ट्राई करता हूँ, जैसे भाई मैं ऊपर से उतरने का सोचा भाई मैंने ये वाली पावर दबाई और ये ना बहुत ही बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं भाई यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करते हैं ना बंदे भाई वही वाला सीन है भाई। इसने ना एक हाथ से पूरा भाई बैलून पकड़ रखा और ये वाले बैलून से ना भी प्रॉपर सेफ लैंडिंग अपनी हो जाएगी। कितने मर्जी ऊपर से उतरो भाई अगर आपके पास ये वाली पावर है ना तो भाई आपको कोई भी डैमेज नहीं लगने वाला है। अगर अपने यहाँ से ऊपर जाने के भी ट्राई करते हैं तो यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। अब ये वाले मोड के अंदर भाई इन्होंने एक और चीज़ ऐड करी है, उसका नाम है स्ट्रेंजर टाउन। तो भाई देखो जैसे इसके पास जाएंगे ना इसका ना थोड़ा जो मौसम सा ना वो ना भाई हैलोवीन जैसा हो जाएगा। मैं भाई इसीलिए ना मैं इसको ना हैलोवीन मोड बोलता हूँ क्योंकि भाई ये बहुत ही अलग सा है, थोड़ा अलग सी भाई इन्होंने चीज़ देने की ट्राई की है। यहाँ पर देखो जैसे इसके अंदर आएंगे वैसे भी पूरा का पूरा जो अपना वेदर है वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर भाई अपनों को ना एक क्रेट भी मिलेगी, ये क्रेट के अंदर है ना देखो प्रॉपर अपनों को इतना सारा सामान मिलने वाला है ना भाई, जो अपना वो एयर ड्रॉप के अंदर AWM होगी या अपनों को ग्रोजा जैसी गन कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ही आया अपनों को इन्होंने दे दी ग्रोजा, भाई यहाँ पर इन्होंने ग्रोजा दे दिया, अपने ग्रोजा लेते हैं और यहाँ पर है ना हॉट एयर बलून मिलने वाला है, वो वाला भाई बैलून लेते हैं और प्रॉपर पूरे इरेंगल मैप के अंदर भाई पूरे इरेंगल मैप के अंदर कहीं पर भी ये वाले बलून को लेके जाओ, भलिया पुचिंकी लेके जाओ, भलिया आप इसको जॉर्जा पुल लेके जाओ। जैसे कि भाई मैं आपको ना प्रॉपर अभी मैं इसको ना रोजो को लेके दिखाऊंगा। अगर आप भाई स्क्वाड खेल रहे हो ना भाई ये वाली जो चीज़ है ना आपके लिए एकदम बेस्ट है, बट भाई इसके अंदर है ना एक चीज़ है, जब आप इसके अंदर होगे ना आप है ना इसके अंदर अपनी गन नहीं चला सकते, ठीक है, आपको ना भाई गन वाला ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। जब जब आप इसके अंदर रहोगे तब तब भाई आप है ना ऊपर से गन बिल्कुल नहीं चला सकते, आप कहीं मर्जी लेके जाओ पूरा भाई ट्रैवल कर सकते हो बट आप गन नहीं चला सकते। ये वाला जो बैलून है ना अगर अपने भाई इसको गोलियां वगैरह मारेंगे ना, या अगर आपको कोई एनिमी है वो इसको भाई तोड़ने की अगर ट्राई करेगा ना तो ये भाई प्रॉपर टूट जाएगा भाई, 1 से 2 2 से 3 मैक के अंदर है ना ये पूरा का पूरा टूट जाएगा भाई। मैं ना आपको ना प्रॉपर इसको ना तोड़ के भी दिखाता हूँ, ये नहीं है कि अगर आप एनिमी के सामने इसको ले जाओ, अगर एनिमी गोली मारेगा तो ये प्रॉपर टूट जाएगा। इसकी भाई वो वाला सीन है कि जैसे अपने कोई हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं या अपने कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं
ये वाला इसका प्रॉपर सीन है। एक ये वाला इन्होंने वो दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, वो आती है भाई अपने लिफ्ट। तो भाई ये वाली जो लिफ्ट है ना भाई, अपने ना प्रॉपर इसको यूज़ कर सकते हैं। बट भाई ये वाली पूरे इरेंगल मैप के अंदर है ना तीन ही लिफ्ट लगी हुई है, वो लगी हुई है स्टालबर के अंदर। या तो आप इसे कमेश की चल जाओ या स्नैच चल जाओ, एक और भाई तीन चार घर बना रखे हैं, या तो आप वहाँ पर चल जाओ। मैं आपको प्रॉपर मैप के अंदर दिखाता हूँ और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ओपन का ऑप्शन आया, इसका जैसी भी चालू किया मैंने भाई, ये अपनी पूरी की पूरी लिफ्ट है ना स्टार्ट हो चुकी है। अभी नीचे से मैं ऊपर भी आपको आके दिखाऊंगा ये बारे। अगर आपको कोई एनिमी के भाई कैंप करके मार दो ना भाई, आप है ना यहाँ पर लिफ्ट वाली जगह भी बैठ जाओ, कोई भी स्क्वाड भाई लिफ्ट के ऊपर जाने के लिए आएगी, आप है ना उसको ना प्रॉपर ईजी मार सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ना मैप के अंदर दिखा देता हूँ भाई, तीन ही लिफ्ट लगाई हुई है भाई। स्ट्रेंजर टाउन से आप यसनाया कमेश की, जिसको भाई अपने स्टालवर भी बोल देते हैं, अभी भाई जैसी ये वाला मोड आ रखा है इसीलिए भाई इन्होंने ना उसका नाम चेंज कर दिया है। तो भाई यहाँ पर है ना आप है ना प्रॉपर देख सकते हो, यही पांच छह चीज़ें भाई इन्होंने ना नए वाले मोड के अंदर दी है। भाई ये वाली वीडियो में ना मैंने ए टू जेड सारा कुछ बता दिया भाई, क्या कुछ नया आ चुका है। तो भाई अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।